सलीम इनामदार। मेरा नाम आशीष कुरैशी है। माजिक के स्वर्गे है। मेरा नाम सागर कुमुजी। मेरा नाम बाल कृष्ण चौसिया। मैं नूर आलम शेख गैरेज वर्क टच स्पैनर में बाइक मैकेनिक रिपेयरिंग में काम करता हूँ। डोर टेप जो सर्विस है वो सबसे अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने गैरेज वर्क ज्वाइन किया। गैरेज वर्क सब दोस्त लोग बोले कि अच्छा है, जाके बात ना कस्टमर से करनी है सब सुने, मतलब कि सर ये नहीं टेंशन नहीं रहता, एकदम फ्री सबसे कर सकते अपने काम में आया था। मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो अच्छा है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। वो सिस्टम विस्टम सब अच्छा है उसका, टाइम टेबल सब पूरा। सर घर खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएंगी फिर मुझे यहाँ पे। कैसे जब तक के ये लॉकडाउन खुलता नहीं तब तक तो मतलब काफ़ी दिक्कत का सामना झेलना पड़े। यहाँ पे कैसे हम लोग को रूम का भाड़ा भी नहीं दे पाएंगे, हम लोग निकलने का भी कोई हमको चांस नहीं है। और कैसे जल्द से जल्द अगर हम हमारा काम चालू होता है ये तो हमको कुछ प्रॉब्लम सर वादे हो जाएंगे सर, खाने पीने के लिए हो जाएंगे सर, दिए तो उनके लिए दुआ मिलेंगी। 10,000 पिछले महीने 10,000 थी, वही उसमें घर छाटा सर मेरा। भाई घर में अभी सब माँ भी घर में है और पिताजी तो काम पर नहीं है और मैं भी घर में हूँ। सर पिछले महीने जो पेमेंट दिया था गैरेज वर्क ने, वो थोड़ा बार पेमेंट किया था, वो उससे चल रहा है सिर्फ थोड़ा पर, अभी वो खत्म हो गया। अभी इस टाइम देखेंगे क्या करेंगे, आजू बाजू से देखेंगे थोड़ा पर कुछ मिल जाएगा, किराना माल होगा थोड़ा पर, किराना माल दिया तो भी चलेगा, थोड़ा पर पैसा दिया तो भी चलेगा, मैं अकेला कमाता हूँ। घर जेल जैसे लगने लगा, जिससे हम लोग कैदी से कैदी लोग जेल में बंद रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत तकलीफों के साथ में, ऐसा अंदर सिर्फ रहना कितना मुश्किल है, ये चीज़ आज लॉकडाउन से हमें सीखने को मिली।